हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद श्रीजा। आज हम बनाएंगे बहुत सारी सब्जियों के साथ और खाने में टेस्टी वेज बिरयानी, वो भी सिंपल तरीके से। चलिए तो फिर देखते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है बासमती राइस, इसको मैं 2-3 बार अच्छी तरह से धो लूंगी। धोने के बाद हम इसको डालेंगे एक कुकर में और फिर डालेंगे पानी। जितना राइस लिया है उसका 1.5 गुना लेना है पानी। मैंने एक बाउल राइस लिया था तो मैं इसमें डालूंगी 1.5 बाउल पानी। ध्यान रहे कि पानी आपको कम ही डालना है क्योंकि हमें एकदम राइस खिला खिला पकाना है। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले, एक तेज पत्ता, एक इलायची, 2 लौंग, 1 इंच दालचीनी और 4-5 काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हमें हाई फ्लेम पे एक ही सीटी इसकी करनी है, उतने में राइस अच्छी तरह से पक जाता है। ये देखिए, एक सीटी हो गई है। आप देख रहे हैं कि हमारा राइस पक गया है और वो भी एकदम खिले हुआ पका है। अब हम राइस को साइड में रख देते हैं और बिरयानी की ग्रेवी बनाते हैं। यहाँ पे कढ़ाई भी मैंने लिया है 5 से 6 चम्मच ऑयल, 1 चम्मच जीरा और थोड़े से काजू। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। अब हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कट किया हुआ। अब हम प्याज को 1 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट बने। फिर हम इसमें डालेंगे सब्जियां, 2 हरी मिर्च, 1/2 कटोरी हरे मटर, 1/2 कटोरी मैंने आलू को मोटा मोटा कट करके डाला है, 1/2 कटोरी गोभी, 1/2 कटोरी गाजर, 1/2 कटोरी डाला है शिमला मिर्च और 1/2 कटोरी डाला है पनीर। अब हम सारी सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक पकने देते हैं। ये देखिए, 5 मिनट में हमारी सब्जियां अच्छी तरह से पक गई है। इसको हम और पकाएंगे लेकिन मसालों के साथ। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच बिरयानी मसाला। यहाँ पे मैंने सुहाना का बिरयानी मसाला डाला है। फिर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इसको करेंगे अच्छी तरह से मिक्स। अब हमें इन मसालों को इन सब्जियों के साथ ढक करके 5 मिनट तक इसको पकाना है ताकि मसाले अच्छी तरह से सब्जियों में मिक्स हो जाए। इसमें हम और एक चीज डालेंगे, उससे बिरयानी का टेस्ट और बढ़ेगा। ये देखिए, यहाँ पे हमारी सब्जियां अच्छी तरह से मिक्स हो गई है मसाले में। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी दही। दही को मैंने इसको अच्छी तरह से फेंट के लिया है। यहाँ पे अब आपको गैस का फ्लेम लो करना है और इसको 2 मिनट तक दही के साथ सब्जियां पकानी है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई रेसिपीज आपको मिलती रहे। ये देखिए, यहाँ पे दही के साथ सब्जियां पक गई है तो मैं अब इन सब्जियों को निकालती हूँ एक बोल में। फिर हम इसी कढ़ाई में लेयर्स बनाएंगे राइस का और इन सब्जियों का। यहाँ पे फ्लेम मैंने लो रखा है। अब हम उसी कढ़ाई में एक लेयर डालेंगे राइस का, जो हमने राइस पकाया था ना वही। अब इस राइस के ऊपर हम डालेंगे सब्जियों का लेयर जो हमने अभी मसाला बनाया था उसका।
अगर आपके पास छोटा बर्तन है या फिर बहुत क्वांटिटी है तो आप इसके 3-4 लेयर बना सकते हैं, एक राइस का एक सब्जी का, इस तरह से। ये देखिए, अब मैं ऊपर और एक लेयर डालूंगी राइस का। यहां पे मैं दो ही लेयर बना रही हूं, एक राइस और एक सब्जी का। उसके बाद हम ऊपर से डालेंगे तले हुए प्याज, इससे टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता है बिरयानी का। अगर आपके पास पुदीना है तो आप पुदीना भी डाल सकते हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे 5 मिनट तक ऐसे ही पकने देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारी बिरयानी एकदम रेडी है। तो मैं इसको निकालती हूँ एक प्लेट में, और ये खाने में भी उतनी ही हेल्दी है क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारी सब्जियों का यूज किया है। ये देखिए, एकदम मस्त बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, और भी मेरी नई रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।